तरन तारण चर्च में हुई घटना के बाद अब चर्च और गुरुद्वारों की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसी के तहत पूरे पंजाब के चर्च और गुरुद्वारों की सुरक्षा व्यवस्था का जो पुलिस के अधिकारियों जायजा ले रहे हैं, इसी के तहत आज ADGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने मोहाली के चर्च और गुरुद्वारों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने गुरुद्वारों और चर्च की CCTV जो है वो चेक किए, साथ ही साथ उन्होंने गुरुद्वारों और चर्च में जाकर उनके जो प्रबंधन है उनसे भी बात की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ADGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया कि तरन तारण में हुई घटना के बाद पूरे पंजाब में इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और चर्च और गुरुद्वारों की सुरक्षा व्यवस्था का जो है वरिष्ठ अधिकारी जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन मनिंद्र अत्री के साथ दीपक शर्मा, MHR न्यूज़, चंडीगढ़। आज अमृतसर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 9 बंदी सिखों की रिहाई को लेकर एक अहम बैठक की। ये बैठक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तेजा सिंह समुंदरी हाल में की गई और इस बैठक की अध्यक्षता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह दामी द्वारा की गई है, जिसमें सभी सिंह साहबान के साथ साथ बुद्धिजीवी हाजिर हुए। आपको बता दें कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज इस बैठक में 4 अहम फैसले लिए हैं, जिनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अहम बैठक के लिए समय मांगा है ताकि वह बंदी सिखों की रिहाई को लेकर खुलकर बात कर सकें। वहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने बंदी सिखों को रिहा ना किया तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने को हरी झंडी दे दी है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले में सरकार को अपना रिपोर्ट रखनी थी, अपनी तरफ से जो उनकी रिपोर्ट है वो वहाँ पर रखनी, लेकिन अभी तक वो नहीं रखी गई है। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो अब सोमवार को सुनवाई होगी उसमें वो रिपोर्ट भी रखी जा सकती है। दरअसल जो पूरे चुनाव हैं इसमें चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो SC वर्ग का आरक्षण है उसमें नियम का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी। तो वहीं एक कांग्रेस विधायक के जो बेटे हैं वो इस पूरे मामले में वकील हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर पेटिशन लगाई थी। उनका कहना था कि SC वर्ग के लिए इस कानून में ऐसा प्रावधान है पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से किया गया कि 10% से कम जहां पर SC भाईचारा है वहां पर सरपंची के लिए आरक्षण नहीं होगा SC पद के लिए। तो ऐसे में ये नियमों का उल्लंघन है, तो लिहाजा इस पर कोर्ट सुनवाई करे। तो कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, फिर हरियाणा सरकार ने और वक्त मांगा। अब कोर्ट इसके लिए त्वरित सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी हरियाणा सरकार को कि आप चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन पुरानी नीति के अनुसार, नई जो नीति थी उसके ऊपर फिलहाल फैसला नहीं होता, पुरानी नीति के अनुसार आप करवा सकते हैं। उसके बाद सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन डाल दी गई और कहा गया कि जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है। तो इस पूरे मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है और अब सोमवार को सुनवाई होगी। देखना होगा उसमें क्या होता है। अगर ये भी हो सकता है कोर्ट ये कह दे कि सुनवाई चलती रहेगी और लिहाजा पंचायत चुनाव करा दिए जाएं, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, डिले चल रहा है, या ये भी हो सकता है कि इसको लेकर कोई फैसला सुनाया जाए। अब सबकी निगाहें सोमवार को हैं कि कोर्ट केस में क्या कुछ निकल के आता है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। ठीक रहा,
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पंचकुला में पहुंचे हैं हरियाणा भाजपा के नव्स टटोलने। इस दौरान भाजपा सरकार की कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। एजेंडे में कई और भी कार्य और चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि बैठकों का दौर रहेगा। दो दिवसीय अपने दौरे पर जेपी नड्डा विभिन्न मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सांसदों, विधायक और मंत्रीगण की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके बाद भाजपा प्रदेश स्तरीय कार्यालय पंचकमल जो कि सकेतड़ी में स्थित है वहां पर कोर ग्रुप की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद बूथ स्तर की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही अपने इस दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन यानी कल सुबह अपना आगाज वो श्री माता मनसा देवी मंदिर में महामाई के चरणों में माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लेकर करेंगे और उसके बाद मीडिया से रूबरू होकर इस दौरे के बारे में विस्तृत रूप से औपचारिक तौर पर जानकारी देंगे। लेकिन अगर अब तक की बात की जाए तो जो सूत्रों से पता चला है कि इस मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें संगठन का विस्तार, आने वाले चुनाव को लेकर कि उसे सिंबल पर लड़ा जाए या किस तरह की रणनीति रहेगी, इसके अलावा जो अब तक का कार्यकाल है मनोहर सरकार का उसमें योजनाएं लोगों तक किस तरह से पहुंच रही हैं, क्या फीडबैक है सरकार के प्रति, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ MHO न्यूज के लिए उमंग शरण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कैथल में एक जनसभा को संबोधित कर गए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जहां बीजेपी की नीतियों को जन जन तक फैलाने का आह्वान किया, वहीं उन्होंने मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा किए जाए विकास कार्यों को भी गिनाया। वहीं उन्होंने कहा कि देश भर में आज मोदी का डंका बज रहा है और उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 2024 में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाकर देश को विकास के लिए आगे बढ़ाएं। MH1 प्राइम के लिए कैथल से राजीव परूथी। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तिथियां नज़दीक आ रही हैं तो उसको लेकर जहां एक और आम आदमी पार्टी गारंटी देने में लगी है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस ने भी बीते कुछ दिनों पहले ही 10 गारंटियों की घोषणा यहाँ पर की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से OPS को लेकर राजनीति गरमा रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में OPS को लागू किया गया उसी तरह से सत्ता में आते ही कांग्रेस 10 दिनों के भीतर OPS को लागू करेगी, यानी कि पुरानी पेंशन को बहाल करेगी, और यदि नहीं करती है तो 11वें दिन के बाद प्रदेश की जनता उनसे सवाल कर सकती है। और इसी को लेकर यदि बात की जाए, दिल्ली अखिल भारतीय कांग्रेस से मीडिया पैनलिस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट से चर्चा की कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह से रोड मैप जो है वो कांग्रेस का रहेगा। और जो AICC से पैनलिस्ट आए हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि 5 साल भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है, उसका वो श्वेत पत्र जारी करें कि क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने प्रदेश के लिए किए हैं और यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो गारंटियां कांग्रेस द्वारा दी गई हैं उन्हें 100% लागू किया जाएगा। पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि आर्थिक जो है वो कहां से लाई जाएगी, किस तरह से जो है उसे लागू किया जाएगा, प्रदेश की जनता पे बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन जो फजूल खर्ची है उसे कम कर ये जो गारंटियाँ दी गई हैं इन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल है और सभी राजनीतिक दल लोग लुहावने जो वादे जनता के साथ करते हैं वो जनता तय करेगी आखिर 2022 के चुनावों में सरकार प्रदेश में किसकी बनाती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO प्राइम, शिमला।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दो दिवसीय हरियाणा प्रवास के पहले दिन पंचकुला में कई बैठकों के अंदर शिरकत की। इन बैठकों में सबसे प्रमुख थी सांसदों व विधायकों के साथ की गई बैठक व हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक। इन बैठकों में जहां एक ओर सरकार व संगठन के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया गया, तो वहीं आगामी रोड मैप को लेकर भी दिशा निर्देश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिए गए। पंचकुला से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी।